हेलो एंड वेलकम एवरीवन। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं सोशलिज्म इन यूरोप एंड द रशियन रिवॉल्यूशन। लेकिन उससे पहले एक छोटी सी कहानी देखते हैं। दोस्तों, क्या तुम्हें पता है कि मेरे भाई के स्कूल में पिकनिक पे ले जाया जा रहा है सब बच्चों को, और एक हमारा स्कूल है, एक साल से हमें पिकनिक पर कहीं नहीं लेकर गया। अब हम अपने टीचर्स के खिलाफ जंग छेड़ेंगे और पिकनिक पर जाकर ही मानेंगे। हे, मोटूलाल, बिल्कुल सही कह रहे हो तुम। हम सब तुम्हारे साथ हैं। अब हम टीचर के खिलाफ जंग छेड़ने वाले हैं। आखिर दूसरे स्कूल पिकनिक पे लेके जाते हैं, ये लोग हमें पिकनिक पे क्यों नहीं लेके जाते? हेलो बच्चों, कैसे हो? मोमो खाता हूँ चटनी लगा के। आज हम पढ़ेंगे क्लास 9th का सोशलिज्म इन यूरोप एंड द रशियन रिवॉल्यूशन। नहीं पढ़ेंगे, हम लोग अब से नहीं पढ़ेंगे। हमें पिकनिक पे जाना है सर। अरे मोटूलाल, ठीक है, पिकनिक पे ले जाएंगे तुम्हें, लेकिन पहले ये चैप्टर तो समझ लो, क्योंकि जैसा तुम बिहेव कर रहे हो ऐसा ही कुछ रशियन लोगों ने बिहेव करा था फ्रेंच रिवॉल्यूशन के बाद। तो शुरू करते हैं हमारा ये चैप्टर, द एज ऑफ सोशल चेंज। अब देखो, फ्रांस के अंदर रिवॉल्यूशन आया था, क्रांति आई थी, वहाँ के लोगों ने वहाँ की गवर्नमेंट को बदल दिया था और बहुत सारे चेंजेस भी डिमांड करे थे। इसी की वजह से पूरी दुनिया के अंदर अलग अलग कंट्रीज़ के लोगों की डिमांड थी कि जैसा फ्रांस में हुआ है वैसा ही हमारी कंट्री के अंदर भी हो। नॉट एवरी वन इन यूरोप हाउएवर वॉन्टेड अ कम्प्लीट ट्रांसफॉर्मेशन। लेकिन कुछ लोग ऐसे भी थे यूरोप के अंदर जिन्हें ये ट्रांसफॉर्मेशन नहीं चाहिए थी, जिन्हें ये बदलाव नहीं चाहिए थी। कुछ लोग कंजर्वेटिव्स थे, कुछ लोग लिबरल्स थे और कुछ लोग रेडिकल्स थे। अब ये तीन शब्द हैं बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको आगे तक के लिए काम आएंगे। तो अब कंजर्वेटिव कौन लोग होते हैं? जो लोग रिजिस्ट कर लेते हैं चेंजेस को। रिजिस्ट मतलब कि कोई भी बदलाव हुआ उसको मान लिया, ज़्यादा दिक्कत नहीं दिखाई। मान लो गवर्नमेंट ने कोई लॉ लेकर आई या कोई रूल लेकर आई अजीब सा, उसे भी ये लोग आसानी से मान लेते हैं। आफ्टर द रिवॉल्यूशन दे स्टार्टेड एक्सेप्टिंग चेंजेस प्रोवाइडेड इट वॉज स्लो एंड हैड लिंक्स एंड रिस्पेक्टेड द पास्ट। और ये पास्ट के अंदर लिए हुए डिसीजंस को भी गवर्नमेंट के रिस्पेक्ट करते हैं, मतलब ज़्यादा कुछ बोलते नहीं हैं ये लोग। फिर आते हैं लिबरल्स। लिबरल्स को एक ऐसा नेशन चाहिए था जो हर रिलीजन को टॉलरेट करे। ऐसा ना हो कि सिर्फ क्रिश्चियंस को ही टॉलरेट कर रहा है, ऐसा ना हो सिर्फ ज्यूज़ को ही टॉलरेट कर रहा है, ऐसा ना हो सिर्फ हिंदूज़ को ही टॉलरेट कर रहा है। तो ऐसा हमारा नेशन हो जो हर रिलीजन को टॉलरेट करे। हर अलग अलग, हम लोग देखें तो अलग अलग रिलीजन के लोग एक साथ मिलकर रह सके। दे आर्ग्यूड फॉर एन इलेक्टेड पार्लियामेंट्री गवर्नमेंट। और ये लोग आर्ग्यू करते थे, एक तरीके से डिमांड करते थे कि एक पार्लियामेंट्री गवर्नमेंट होनी चाहिए। पार्लियामेंट्री गवर्नमेंट का मतलब क्या है? सिंपल सा इसका मतलब ये है कि लोग वोट करें और वोट के द्वारा चुनी गई गवर्नमेंट आए, उसे ही हम लोग बोलते हैं पार्लियामेंट्री गवर्नमेंट। सब्जेक्ट टू लॉज इंटरप्रिटेटेड बाय अ वेल ट्रेंड जुडिशरी दैट वॉज इंडिपेंडेंट ऑफ रूलर्स एंड ऑफिशियल्स। तो यहाँ पर एक और चीज़ की ये लोग डिमांड करते थे कि एक ऐसा कोर्ट होना चाहिए जहाँ पर जो जुडिशरी हो, मतलब जो जज वगैरह हो, वो इंडिपेंडेंट हो, किसी राजा के दबाव में या किसी आदमी के दबाव में कोई डिसीजन ना ले। दे वर नॉट डेमोक्रेट्स। और ये लोग डेमोक्रेट्स नहीं हैं। कौन लोग डेमोक्रेट्स नहीं हैं, देख लो आप फटाफट, लिबरल्स। अब बात करते हैं हम लोग किसकी, रेडिकल्स की। दे वॉन्टेड अ नेशन इन विच गवर्नमेंट वॉज बेस्ड ऑन द मेजॉरिटी ऑफ कंट्रीज पॉपुलेशन। तो वो लोग ऐसा नेशन चाहते थे कि जिसके अंदर पूरी की पूरी जो गवर्नमेंट है वो बेस्ड हो मेजॉरिटी ऑफ कंट्रीज पॉपुलेशन पे। नेक्स्ट, दे डिसलाइक कंसंट्रेशन ऑफ प्रॉपर्टी इन हैंड्स ऑफ अ फ्यू, नॉट द एग्जिस्टेंस ऑफ प्राइवेट प्रॉपर्टी। तो यहाँ पर ये लोग क्या डिसलाइक करते थे कि कुछ सेलेक्टेड लोगों के हाथ में चीज़ें हों, इस चीज़ को ये लोग डिसलाइक करते थे। ये चाहते थे कि सबके हाथ में चीज़ें हो। इंडस्ट्रियल सोसाइटी एंड सोशल चेंज। This was the time of economic and social change. अब ये जो समय था, इस समय economic और social change आ रहा था। Men, women, children were pushed into factories for low wages. अब लोगों से काम करवाया जा रहा था, औरतों से करवाया जा रहा था,
बच्चों से करवाया जा रहा था और उनको लो वेजेस मतलब बहुत कम तनख्वाह पर ये सारा काम करवाया जा रहा था। मोस्ट ऑफ द फैक्ट्री ओनर्स वर ऑफन लिबरल्स एंड रेडिकल्स एंड दे फेल्ट दैट वर्कर्स एफर्ट मस्ट बी एनकरेज्ड। ज़्यादातर जो ये फैक्ट्री के ओनर्स थे वो कौन लोग थे? लिबरल्स थे और रेडिकल्स थे। ये लोग ये चाहते थे कि जो भी उनके वर्कर्स हैं उनका एफर्ट और ज़्यादा एनकरेज किया जाए, मतलब और ज़्यादा उनसे काम कराया जाए। द कमिंग ऑफ सोशलिज्म टू यूरोप। सोशलिस्ट वर अगेंस्ट प्राइवेट प्रॉपर्टी। अब सोशलिज्म ये जो वर्ड है बहुत इंपॉर्टेंट है। सोशलिस्ट जो लोग थे वो लोग प्राइवेट प्रॉपर्टी के अगेंस्ट थे। देखो, सोशलिस्ट वर अगेंस्ट प्राइवेट प्रॉपर्टी। दे हैड डिफरेंट विजन्स ऑफ द फ्यूचर। इनकी सोच कुछ बहुत ही डिफरेंट थी। सम बिलीव्ड इन कोऑपरेटिव्स। तो ये लोग किस में बिलीव करते थे? कोऑपरेटिव्स में बिलीव करते थे। व्हाट इज कोऑपरेटिव्स वी विल सी फर्दर, लेकिन ये लोग इनकी सोच थोड़ी सी अलग थी। एग्जाम्पल के लिए कार्ल मैक्स, फ्रेडरिच एंगल्स एडिड द इंडस्ट्रियल सोसाइटी वॉज कैपिटलिस्ट। तो यहाँ पर इंडस्ट्रियल सोसाइटी को वो लोग क्या बोलते थे, ये दोनों लोग कार्ल मैक्स एंड फ्रेडरिच एंगल्स, कि ये क्या है? ये है कैपिटलिस्ट। देखो कैपिटलिस्ट, अब कैपिटलिस्ट का मतलब क्या होता है? वो लोग जो पैसे के भूखे होते हैं या जो पैसे के पीछे भाग रहे होते हैं। सपोर्ट फॉर सोशलिज्म। अब सोशलिज्म के सपोर्ट में लोग आने लगे। बाय द 1870s सोशलिस्ट आइडिया स्प्रेड थ्रू यूरोप। वर्कर्स इन इंग्लैंड एंड जर्मनी बिगेन फॉर्मिंग एसोसिएशंस टू फाइट फॉर बेटर लिविंग एंड वर्किंग कंडीशन। अब देखो, सिंपल सी बात यह है कि सोशलिज्म का मतलब क्या है। अगर आपको अभी भी डाउट है सोशलिज्म में, तो सोशलिज्म का मतलब ये है, जैसे मेरी कोई कंपनी है, अब मेरी कंपनी के अंदर बहुत सारे लोग काम कर रहे हैं, अब वो लोगों से मैं काम ज़्यादा करवाऊंगा, पैसे उन्हें कम दूंगा। क्यों काम ज़्यादा कराऊंगा? जिससे कि मेरा प्रॉफिट ज़्यादा हो, ठीक है, और पैसे उन्हें मैं कम दे रहा हूँ, तो ये चीज़ उन लोगों के साथ तो गलत है। तो इन्हीं लोगों ने डिसाइड करा कि ऐसा नहीं होना चाहिए। उनकी सोच ये थी कि सोशलिज्म होना चाहिए। सोशलिज्म का मतलब ये था कि जैसे मैं अपनी कंपनी का मालिक हूँ, ऐसा ना हो जो पब्लिक काम कर रही है मेरे अंडर, उसके पास भी, उसका भी कुछ हक हो मेरी कंपनी के अंदर। तो ऐसा आइडिया था सोशलिज्म का, और ऐसा ही आइडिया उन्होंने अप्लाई करने की कोशिश करी। 1870s तक जो सोशलिस्ट आइडिया था ये पूरे के पूरे यूरोप के अंदर फैल गया था। वर्कर्स इन इंग्लैंड एंड जर्मनी बिगेन फॉर्मिंग एसोसिएशंस टू फाइट फॉर बेटर लिविंग एंड वर्किंग कंडीशन। धीरे धीरे करके जो वर्कर्स थे इंग्लैंड और जर्मनी के अंदर, इन लोगों ने एसोसिएशन बनाई। एसोसिएशन मतलब कि एक तरीके के ग्रुप बनाए, और उस ग्रुप के अंदर इन लोगों ने मुद्दा रखा कि हम लोग इन बड़ी बड़ी कंपनी के मालिकों से लड़ाई करेंगे, जंग लेंगे। क्यों? क्या वजह थी? जिससे कि ये लोग हमें बेटर लिविंग और वर्किंग कंडीशन दें, काम करने में हमें आसानी हो, लिविंग कंडीशन हमारी बेटर हो, और थोड़े बहुत पैसे भी ज़्यादा मिले। द रशियन रिवोल्यूशन। रशियन रिवोल्यूशन की बात करते हैं। इन 1914 निकोलस टू रूल द रशियन एम्पायर। तो 1914 के अंदर कौन रूल करता था रशियन एम्पायर को? निकोलस टू। द रशियन एम्पायर इंक्लूडेड टेरिटरी अराउंड मॉस्को, करंट डे फिनलैंड, लिथुविया, लिथुआना, एस्टोनिया, पार्ट ऑफ पोलैंड, यूक्रेन एंड बेलारूस। अब देखो, एक इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि अगर आप ये देखोगे पूरा का पूरा मैप, तो रशिया इतना बड़ा था। दिस वॉज रशियन एम्पायर। अब ये रशिया थोड़ा कम हो गया, लेकिन पहले ज़माने में देखो रशिया का साइज़ कितना बड़ा था। देखो मैं मैप आपको छोटा करके दिखाता हूँ, सबसे बड़ा शायद रशिया ही था। ये देखो कितना बड़ा है। तो और इसके अंडर ही ये देखिए कितनी सारी ये जो कंट्रीज़ अभी हमें देखने को मिलती हैं, ये सब अब कंट्रीज़ अलग हो गई हैं रशिया से। लेकिन इनमें से कौन सी ऐसी कंट्री है जिससे अभी रशिया की जंग हुई है, क्या आप कमेंट करके बता सकते हो? अगर आपने न्यूज़ देखी है तो कमेंट करके बताओ कि इनमें से कौन सी ऐसी कंट्री है जिससे रशिया की फाइट हुई है। तो अब रशिया की इतनी सारी कंट्रीज़ थी और इतना बड़ा था रशिया पहले। चलिए अब आगे देख लेते हैं हम लोग इस चैप्टर को। आगे है इकोनॉमी एंड सोसाइटी ड्यूरिंग रशियन एम्पायर। अब रशिया इतना बड़ा था, अब हम देखते हैं कि कैसी इकोनॉमिक कंडीशन थी और सोसाइटी थी ड्यूरिंग रशियन एम्पायर।
इकोनॉमिक मतलब कि भैया पैसा पैसा मनी मनी, सोसाइटी कैसी थी उस समय। तो ये देखो आप एक फ़ोटो से अंदाज़ा लगा सकते हो कि उस समय सोसाइटी कैसी होगी। ये है अनएम्प्लॉयड पीजेंट्स, जो बेचारे प्री वॉर मतलब जंग से पहले खाना खा रहे हैं चैरिटेबल किचन्स के अंदर, और यही लोग पुअर हाउस मतलब जो गरीबों के लिए रहने का घर था उसके अंदर रहा करते थे। तो अब आप समझ गए होंगे कि इकोनॉमिक कंडीशन कैसी थी, लोगों के पास काम करने के लिए नहीं था, खाना तक खाने के लिए नहीं था। चैरिटेबल हाउस मतलब जो लोग दान वगैरह दक्षिणा दान से खाना वगैरह बनवाते थे उस तरीके से ये लोग खाते थे, जैसे भंडारा होता है हमारे यहाँ पर उस टाइप से। तो चैरिटी वाली जगह से ये लोग खाना खा रहे हैं, तो आप समझ सकते हो कितनी बुरी कंडीशन थी उस समय। अबाउट 85% ऑफ द रशियन एम्पायर्स पॉपुलेशन अर्न्ड देयर लिविंग फ्रॉम एग्रीकल्चर। लगभग 85% जो रशियन एम्पायर की पॉपुलेशन थी वो पैसा कहाँ से कमा रही थी, एग्रीकल्चर से। देखो बहुत इंपॉर्टेंट है ये चीज़, आपसे क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है, अबाउट वॉट परसेंट ऑफ रशियन पॉपुलेशन वॉज अर्निंग देयर लिविंग फ्रॉम एग्रीकल्चर, तो आप बता सकते हो। या फिर आपसे ये भी क्वेश्चन पूछ सकते हैं कि वॉट वॉज द मेजर सोर्स ऑफ इनकम, और वॉट वॉज द मेजर सोर्स ऑफ इनकम फॉर रशियन पीपल, तो मेजर सोर्स ऑफ इनकम क्या था, एग्रीकल्चर। द इंडस्ट्री वॉज लिमिटेड इन नंबर, अब जो इंडस्ट्रीज थी यहाँ पर बहुत लिमिटेड थी, मतलब जैसे फैक्ट्रीज होती है कंपनीज होती है काफ़ी लिमिटेड थी। वर्कर्स डिवाइडेड थे ग्रुप्स के अंदर, बट दे डिड यूनाइट टू स्ट्राइक वर्क व्हेन दे वर डिससेटिस्फाइड। तो यहाँ पर कभी कभी क्या होता था, जो ये वर्कर्स थे ये ग्रुप्स के अंदर डिवाइडेड तो थे, लेकिन कभी अगर इनके साथ कुछ गलत होता था काम के दौरान, तो उस चीज़ के खिलाफ जब स्ट्राइक का मौका आता था तो ये लोग एक साथ ग्रुप बना लेते थे जब भी ये लोग डिससेटिस्फाइड होते थे। पीजेंट्स हैड नो रिस्पेक्ट फॉर नोबिलिटी, वेरी अनलाइक द फ्रेंच पीजेंट। अब जो पीजेंट्स थे ना कुछ भी इज्जत नहीं करते थे, पीजेंट्स मतलब आप एक तरीके से समझ लीजिए व्यापारी लोग जो काम वगैरह करते हैं वो। तो ये जो लोग थे ये लोग बिल्कुल भी इज्जत नहीं करते थे यहाँ की नोबिलिटी के लिए, नोबिलिटी मतलब कि जो अच्छे खासे बड़े लोग होते हैं उनकी। क्यों नहीं करते थे इन नोबल लोगों की इज्जत, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा इनके ऊपर अत्याचार हो रहा था इनकी वजह से। रशियन पीजेंट्स वर द ओनली पीजेंट्स कम्युनिटी विच पूल देयर लैंड एंड देयर कम्यून डिवाइडेड इट। तो यहाँ पर जो रशियन पीजेंट्स थे वो अकेले ऐसे पीजेंट्स थे जिन्होंने अपना लैंड पूल करा और साथ में कम्यून डिवाइड कर दिया इसको, ठीक है। मतलब एक तरीके से पूलिंग का मतलब होता है शेयरिंग टाइप कर ली इन्होंने, ग्रुपिंग बना ली इस तरीके से, शेयरिंग करी। तो ये फर्स्ट ऐसे पीजेंट्स थे जो शेयरिंग करके काम कर रहे थे ऐसा। तो बात करते हैं आगे सोशलिज्म इन रशिया, अब सोशलिज्म की बात करते हैं। ऑल पॉलिटिकल पार्टीज वर इलीगल इन रशिया बिफोर 1914, तो जितनी भी पॉलिटिकल पार्टीज थी रशिया के अंदर वो 1914 से पहले इलीगल थी, मतलब कि कोई भी पॉलिटिकल पार्टी रशिया के अंदर नहीं बना सकता था। इन 1900 द रशियन सोशलिस्ट डेमोक्रेटिक लेबर पार्टी वॉज फॉर्म। तो 1900 के अंदर क्या हुआ, जो रशियन सोशलिस्ट डेमोक्रेटिक लेबर पार्टी थी वो बनी, फर्स्ट टाइम आप देख रहे हो कब फॉर्म हुई है ये 1900 के अंदर, बहुत इंपॉर्टेंट डेट है ये, ठीक है। वैसे तो जो मैं भी आपको नोट्स के अंदर सारे नोट्स प्रोवाइड कर रहा हूँ, ये सब के सब नोट्स इंपॉर्टेंट है आपके लिए, आपको इन नोट्स से पढ़ना है। और इसके साथ साथ एक इंपॉर्टेंट अनाउंसमेंट ये है आगे कंटिन्यू करने से पहले, कि आप चैनल को फटाफट सब्सक्राइब कर दो, इस वीडियो को लाइक कर दो अगर आपको अभी तक समझ में आ रहा है। साथ ही में एक सब्सक्राइब करने के बाद आपको ज्वाइन का बटन दिखेगा, आपको सिंपली क्या करना है, उस ज्वाइन के बटन पर क्लिक करना है, मेंबर बनना है हमारे चैनल का, जिससे कि आप डायरेक्टली हमारे चैनल को सपोर्ट कर रहे हो आगे और ऐसी वीडियो हम लोग बना सकें। तो आप ज्वाइन ज़रूर करें। इट स्ट्रगल टू गिव प्लीजेंट देयर राइट ओवर लैंड टू दैट बिलोंग टू नोबल्स। तो अब यहाँ पर देखो कुछ एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम ये भी आ रही थी रशिया के अंदर, कि जो बेचारे पीजेंट्स थे उनका राइट ओवर लैंड मतलब जो ज़मीन थी उसके ऊपर से उनका जो अधिकार था हक था वो नोबल्स ने एक तरीके से छीना हुआ था, उनके पास बेचारों के पास राइट नहीं था। एज लैंड वॉज डिवाइडेड अमंग पीजेंट्स पीरियोडिकली इट वॉज फेल्ट दैट पीजेंट्स एंड नॉट वर्कर्स वुड बी द मेन सोर्स ऑफ द रिवोल्यूशन। तो अब ये जो बेचारे पीजेंट्स थे ये लैंड इनके पास पीरियोडिकली डिवाइड हो रहा था, मतलब कुछ समय तक एक पीजेंट के पास रहेगा ज़मीन फिर दूसरे पीजेंट के पास। तो ये जो पीजेंट्स थे ये लोग तो मतलब समझ लीजिए रिवोल्यूशन का पार्ट नहीं बन सकते, लेकिन आइडिया ये था कि जो वर्कर्स हैं मतलब जो काम करने वाले लोग हैं इन लैंड्स पर
वो बनेंगे मेन सोर्स ऑफ रिवॉल्यूशन, वही बदलाव लेकर आएंगे। लेकिन फिर बारी आती है हमारे लेनिन की। लेनिन इन सब चीज़ों के साथ एग्री नहीं करते थे। विद दिस एज ही फेल्ट दैट पीजेंट्स वर नॉट वन सोशल ग्रुप। उसको ऐसा लगता था कि जो पीजेंट्स है वो एक सोशल ग्रुप नहीं है। अब लेनिन कौन है, क्या है? लेनिन ने एक बहुत बड़ा रोल प्ले करा था इस रशियन रिवॉल्यूशन के अंदर। काफ़ी खतरनाक टाइप आदमी है, इंटरेस्टिंग पर्सन है, आपको पता चलेगा आगे। द पार्टी वॉज डिवाइडेड इंटू बोलिशकिव्स और मेनिशकिव्स। तो पार्टी के दो पार्ट हो गए थे, एक थे बोलिशकिव्स, ठीक है। कौन सी पार्टी के दो पार्ट हुए थे? अभी हमने जस्ट अभी देखा है, रशियन सोशलिस्ट डेमोक्रेटिक लेबर पार्टी वॉज फॉर्म्ड और इसके दो पार्ट हो गए थे, बोलिशकिव्स और मेनिशकिव्स। अब ऐसा क्यों हुआ था, किस लिए हुआ था, देखते हैं अभी। ये है लेनिन भाई साहब, बहुत इंपॉर्टेंट। देख रहे हो आप इनकी टकला कितना चमक रहा है, शाइन कर रहा है, वाह, मतलब तेल वेल लगाया है लेनिन भाई साहब ने। ये देखो लेनिन भाई साहब भाषण देते हुए, जितने भी लोग हैं इन सबको अपना कुछ लेक्चर देते हुए। तो अब शुरू करते हैं हम। अ टर्बुलेंट टाइम। अब काफ़ी ज़्यादा टर्बुलेंस हुई। टर्बुलेंस का मतलब क्या होता है भाई साहब? हिल गया पूरा देश। क्या हुआ? 1905 का रिवॉल्यूशन हुआ। लिबरल्स वॉन्टेड टू एंड द ऑटोक्रेसी ऑफ द जार। अब ये जो टी सार आप वर्ड पढ़ रहे हो, इसे हम लोग जा बोलते हैं, जार। एग्जैक्टली, इसका मतलब होता है राजा। अब इस वर्ड को मैं आगे जाकर, आप देख सकते हो कि इसमें टी जो है वो साइलेंट है, इसे टी सार ही प्रनाउंस करने वाला हूँ, जिससे कि आप आसानी से इस चैप्टर के अंदर समझ सको। लेकिन इसे हम लोग बोलते हैं जार, ठीक है, इस चीज़ को आपको ध्यान रखना है। ऑटोक्रेसी का मतलब ये कि जो वहाँ के राजा महाराजा थे और सिर्फ उनकी ही बात सुनी जाती थी, मतलब एक ही बंदा था जिसने जो बात बोल दी वो सबको माननी पड़ेगी। तो ये जो राजा महाराजा का राज था, इसे ख़त्म करना चाहते थे ये लोग। तो इसी वजह से उन लोगों ने वर्क करा टू वर्ड्स कॉन्स्टिट्यूशन। उनकी डिमांड थी कि कॉन्स्टिट्यूशन आए रिवोल्यूशन के दौरान। अब कॉन्स्टिट्यूशन से क्या होगा कि लोगों के पास पावर आ जाएगी अपने लीडर्स को इलेक्ट करने की। जैसे हमारे देश, मतलब कि इंडिया के अंदर हम लोग चुनते हैं अपने लीडर्स को वोट दे के, इसी तरीके से वहाँ पर भी लोग वोट देकर अपने लीडर को चूज करेंगे। भैया मेरे को ये सब तो बहुत कंफ्यूजिंग लगा, क्या आप प्लीज़ मुझे दोबारा से शुरुआत से सारी चीज़ें रिवाइज करवा सकते हो एक बार, वो भी शॉर्ट में? बिल्कुल मोटूलाल, मैं तुम्हें फटाफट रिवाइज करवा देता हूँ, शुरू से लेके यहाँ तक पूरा चैप्टर। तो देखो, जब हमने फ्रेंच रिवॉल्यूशन चैप्टर देखा था, उसके अंदर क्या हुआ था, जो राजा था लुई 16, वो अपना राज चलाता था, जो बात उसने बोल दी वो हम सब जैसे नॉर्मल लोग जो फ्रांस के थे उन्हें माननी पड़ती थी। अच्छा, कभी कभी वो उल्टे सीधे रूल्स भी ले आया करता था, जब मन करता था तब टैक्स बढ़ा देता था, लोगों के ऊपर बहुत ज़्यादा अत्याचार हो रहा था, इक्वल ट्रीटमेंट नहीं मिलता था लोगों को। तो ऐसा ही कुछ हो रहा था रशिया के अंदर भी। रशियन लोगों ने जब देखा कि फ्रांस के अंदर रिवॉल्यूशन आया, इतना सारा चेंज आया, फ्रांस के अंदर कॉन्स्टिट्यूशन आया, फ्रांस के लोग अपनी गवर्नमेंट खुद चूज़ कर रहे हैं, लोग वोट दे पा रहे हैं अपने लीडर्स को चूज़ करने के लिए, तो वो लोग भी इंस्पायर हुए। रशिया के लोगों ने भी बोला कि ऐसा रशिया के अंदर भी होना चाहिए। अच्छा, रशिया के अंदर कैपिटलिस्ट लोग भी थे, मतलब जो पैसे को लेकर काफ़ी ज़्यादा क्रेजी थे, तो उस चीज़ को भी अब रशिया के लोग ख़त्म करना चाहते थे। जैसे क्या होता था कि जिनकी बड़ी बड़ी फैक्ट्रीज थी रशिया के अंदर, वो लोगों से ओवर टाइम काम कराते थे और उसके बदले पैसे भी बहुत कम दिया करते थे उन्हें। काम भी ज़्यादा करा रहे हैं, पैसे भी कम दे रहे हैं, तो इतनी सारी प्रॉब्लम्स थी। तो इस चीज़ को ख़त्म करने के लिए रशिया के अंदर क्या हुआ, रिवॉल्यूशन आया। अब बात करते हैं हम लोग ब्लडी संडे की। 1904 के अंदर अचानक से ज़रूरत की चीज़ों का दाम बढ़ गया बहुत जल्दी। जैसे कि आटा, चावल, नमक, ये सब चीज़ें क्या होती हैं, एसेंशियल गुड्स, अचानक से इन सब का दाम इतना ज़्यादा बढ़ गया कि पूछो मत। और जो लोगों की तनख्वाह थी, मतलब जो वेजेस थी, वो 20% डिक्लाइन हो गई, मतलब 20% लोगों की तनख्वाह कम हो गई और जो चीज़ों का दाम था वो बढ़ गया। अरे ये तो बहुत गलत है। When 4 members of Putilov Iron Works were dismissed, जब 4 लोगों को डिसमिस करा गया आयरन वर्क से, तो यहाँ पर एक इंडस्ट्रियल एक्शन को लेकर लोगों के अंदर उत्सुकता आने लगी। लोगों ने सोचा कि अब इंडस्ट्रियल एक्शन लेने का टाइम आ गया। ओवर
110,000 वर्कर्स इन सेंट पीटर्सबर्ग वेंट ऑन स्ट्राइक डिमांडिंग अ रिडक्शन इन वर्किंग आवर्स एंड इंक्रीजिंग इन वेज। तो यहाँ पर देखो, जैसा मैं आपको बता रहा था कि जो लोग कैपिटलिस्ट थे, पैसे को लेकर बहुत ज़्यादा भूखे थे, वो लोग वर्कर से ज़्यादा काम करवा रहे थे और ज़्यादा वो पैसा खुद कमा रहे थे। तो यहाँ पर ये जो वर्कर्स थे, अब ये लोग स्ट्राइक पे चले जाते हैं। स्ट्राइक मतलब एक तरीके से डिमांड करते हैं ये, अपनी एक तरीके से प्रोटेस्ट करते हैं और बोलते हैं कि भाई देखो, हमारा जो वर्किंग आवर्स है, जो हमारा काम करने का समय है, वो थोड़ा कम करो और साथ ही में हमारी जो तनख्वाह है, वेजेस हैं, वो इंक्रीज करो। द प्रोसेशन वॉज अटैक्ड बाय द पुलिस एंड कोसैक। अब यहाँ पर जब ये लोग ये चीज़ कर रहे थे, प्रोटेस्ट कर रहे थे, जहाँ पर भी झुंड बनाकर उस चीज़ के ऊपर अटैक कर दिया पुलिस ने और कोसैक्स ने। ओवर 100 वर्कर्स वर किल्ड, लगभग 100 वर्कर्स मर जाते हैं। स्ट्राइक टुक प्लेस एज अ रिएक्शन। अब क्या होने लगी, अब स्ट्राइक्स होने लगी जगह जगह पर एज अ रिएक्शन। जब लोगों ने देखा कि अरे ये तो बहुत गलत हुआ, तो इस चीज के लिए और भी लोग स्ट्राइक करने लगे। पीपल डिमांडेड अ कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली। कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली की डिमांड करने लगे लोग। द टीसार अलाउड द क्रिएशन ऑफ एन इलेक्टेड कंजिक्यूटिव पार्लियामेंट और डूमा। अब टीसार जो थी, टीसार मतलब यही समझ लो, वो जो राजा था और जो उसका राज्य था, उसने एक तरीके से अलाउ कर दिया कि ठीक है, अब इलेक्ट कर सकते हो आप लोग कॉन्जिक्यूटिव पार्लियामेंट को, या फिर डूमा, डूमा भी उसको शॉर्ट में बोला इन लोगों ने, कि डूमा को आप इलेक्ट कर सकते हो। द टीसार डिसमिस्ड द फर्स्ट डूमा विद इन 75 डेज एंड अनाउंस द इलेक्शन ऑफ सेकेंड डूमा। अब क्या हुआ, फर्स्ट वाली जो पार्लियामेंट हमारी थी, कॉन्जिक्यूटिव पार्लियामेंट, वो सेलेक्ट होके आई, सारे मेंबर सेलेक्ट होके आए, सब लोग सेलेक्ट होके आए, तो उस चीज को टीसार ने डिसमिस कर दिया विद इन फर्स्ट 75 डेज। अब आपको क्या लगता है, ज़रूर वो लोग टीसार के अगेंस्ट कुछ चीज़ें बोल रहे होंगे, या वो ऐसे रूल बना रहे होंगे जो टीसार को पसंद नहीं आए होंगे। उसने बोला होगा भाई देखो, मुझे नहीं पसंद आए, मैं राजा हूँ और तुम गुड बाय टाटा हो जाओ, चाहे तुम्हें वोट दे के लोगों ने इधर भेजा पार्लियामेंट में, लेकिन तुम यहां से जाओ। और फिर उसने बोल दिया कि अब चलो दोबारा इलेक्शन होंगे। तो अब यहां पर सेकंड डूमा के लिए दोबारा इलेक्शन होने लगे, मतलब सेकंड कंजिक्यूटिव पार्लियामेंट को, इलेक्टेड कंजिक्यूटिव पार्लियामेंट को सेलेक्ट करने के इलेक्शन हुए। टीसार कंटिन्यूड द थर्ड डूमा विद कंजर्वेटिव पॉलिटिशियंस। अब देखो, अब क्या हुआ कि जब सेकंड वाला डूमा हुआ, मतलब सेकंड वाली इलेक्टेड कंजिक्यूटिव पार्लियामेंट एक तरीके से चूज हुई, अब उसको भी इसने क्या कर दिया, ख़त्म कर दिया, डिसमिस कर दिया, और अब थर्ड वाला इसने क्या करा, डूमा क्रिएट कराया, मतलब कंजिक्यूटिव इलेक्टेड कंजिक्यूटिव पार्लियामेंट को चूज करवाया। ठीक है, तो इसमें कौन थे, कंजर्वेटिव पॉलिटिशियंस थे। अब जो थर्ड वाला था, मतलब कंजर्वेटिव वो वाले पॉलिटिशियंस जो चेंजेस नहीं चाहते थे, मतलब समझ रहे हो, सिंपली राजा ने किन लोगों को चूज करवाया, उन लोगों को चूज करवाया जो चेंजेस चाहते ही नहीं थे। जैसा राजा चला रहा था काम, वैसा ही चलता रहे। तो राजा बहुत तेज था, टीसार वाले बहुत तेज थे, टीसार वाले लोग, इन्होंने यहाँ पर चाल खेल दी और अपने ही बंदों को लाकर असेंबली के अंदर बिठा दिया, जो चाहते थे वैसा का वैसा ही रहे। द फर्स्ट वर्ल्ड वॉर एंड द रशियन एम्पायर। इन रशिया द फर्स्ट वर्ल्ड वॉर वॉज इनिशियली वेरी पॉपुलर बट लेटर द सपोर्ट ग्रू थिन। शुरू शुरू में वर्ल्ड वॉर के अंदर ये देखा गया कि बहुत ज़्यादा पॉपुलर हो गया था फर्स्ट वर्ल्ड वॉर जो था रशिया के अंदर, लेकिन धीरे धीरे करके जो इसके लिए सपोर्ट था वो कम होता गया। एंटी जर्मन सेंटीमेंट्स रैन हाई। एंटी जर्मन सेंटीमेंट्स जो थे वो काफ़ी ज़्यादा हाई थे। अब जर्मन कौन लोग थे और जर्मन लोगों के लिए जो सेंटीमेंट्स थे, एंटी जर्मन सेंटीमेंट्स क्यों हो रहे थे, ये आपको पता चलेगा थोड़ी सी देर में। रशियन आर्मीज लॉस्ट बैडली इन जर्मनी एंड ऑस्ट्रिया। जो रशिया की आर्मी थी वो जर्मनी और ऑस्ट्रिया के अंदर बहुत बुरी तरीके से हार गई थी। द वॉर ऑल्सो अफेक्टेड द इंडस्ट्री। जो आपकी ये फैक्ट्रीज वगैरह थी, ये भी काफ़ी ज़्यादा अफेक्टेड थी ड्यू टू वॉर। देयर वॉज लेबर शॉर्टेज। क्या हुआ था कि लेबर की शॉर्टेज हो गई थी, अभी तक लोगों के पास काम करने के लिए नहीं था, अब लेबर की शॉर्टेज हो गई। बहुत सारे इसके रीजंस थे। एक रीज़न ये भी था कि ज़्यादातर लोग वॉर के अंदर कंपलसरी कर दिया था ज़्यादातर लोगों का पार्टिसिपेट करना, तो उन्हें पार्टिसिपेट करना पड़ रहा था। बाय 1916 रेलवे लाइंस बिगेन टू ब्रेक डाउन। धीरे धीरे क्या होने लग गया कि 1916 तक जो रेलवे की लाइंस भी थी वो भी टूटने लगी। द स्मॉल वर्कशॉप्स वर क्लोज्ड।
जो लोग छोटा मोटा काम करते थे, वर्कशॉप्स किसे बोलते हैं, जैसे आपने देखा होगा किसी ने अपने घर के अंदर ही या फिर कोई छोटी मोटी गराज ओपन कर ली जहाँ पर वो गाड़ियाँ रिपेयर करता है, तो उन्हें हम लोग वर्कशॉप्स बोलते हैं। ये भी अब बंद होने लगी जो स्मॉल वर्कशॉप्स थी, जो ग्रेन्स थे उनका शॉर्टेज था, और इसी तरीके से अगर ग्रेन्स का शॉर्टेज है तो ब्रेड का भी शॉर्टेज होगा। द फेब्रुअरी रिवोल्यूशन इन पेट्रोग्रेड, तो पेट्रोग्रेड के अंदर जो फेब्रुअरी का रिवोल्यूशन हुआ था उसे हम लोग देखते हैं। सबसे पहले इवेंट्स, इवेंट्स मतलब क्या क्या चीज़ें हुई थी। इन द विंटर ऑफ 1917 पेट्रोग्रेड वॉज ग्रिम। ग्रिम का मतलब क्या होता है, देयर वॉज अ फूड शॉर्टेज इन द क्वार्टर्स ऑफ वर्कर्स, मतलब काफ़ी ज़्यादा बुरी हालत थी यहाँ पर, ग्रिम का मतलब आप ये समझ लीजिए, और फूड की शॉर्टेज थी, जो भी वर्कर्स थे उनके खाने पीने के लिए भी फूड नहीं अवेलेबल था। ऑन 22nd ये देखा गया कि 22nd फरवरी को अ लॉकआउट टुक प्लेस एट अ फैक्ट्री, लॉकआउट होने लग गया। वर्कर्स ऑफ 50 अदर फैक्ट्रीज ज्वाइंड इन सिंपथी। वुमेन ऑल्सो लेड एंड पार्टिसिपेटेड इन द स्ट्राइक्स। दिस केम टू बी कॉल्ड द इंटरनेशनल वुमेन्स डे। अब देखो यहाँ पर क्या होने लग गया कि लॉकआउट फैक्ट्री को करने लग गए, लोगों ने फैक्ट्री को बंद करने लग गए, और जो और भी वर्कर्स थे 50 अदर फैक्ट्रीज से, उन्होंने भी इस चीज़ के अंदर पार्टिसिपेट करा। इस चीज़ के अंदर वर्कर्स जो थे वो ज़्यादातर मैन थे, कुछ वुमेंस भी थी, लेकिन अब इस चीज़ के अंदर वुमेंस ने भी पार्टिसिपेट करा और उन्होंने जो स्ट्राइक थी उसको लीड करा इस बार, मतलब स्ट्राइक में सबसे आगे अब वुमेंस खड़ी थी। और इसी दिन को हम लोग बोलते हैं द इंटरनेशनल वुमेंस डे। द गवर्नमेंट इम्पोज्ड अ कर्फ्यू। गवर्नमेंट को गुस्सा आने लगी क्योंकि लोग गवर्नमेंट के अगेंस्ट चीज़ें कर रहे थे, तो उसने इम्पोज कर दिया कर्फ्यू को। कर्फ्यू का मतलब कि 3 से ज़्यादा लोग एक साथ नहीं घूम सकते कहीं पर भी, अगर पकड़े गए तो बेटा जेल। ऑन 24th and 25th द गवर्नमेंट कॉल्ड आउट द कैलवरी एंड पुलिस टू कीप एन आई ऑन देम। तो यहाँ पर गवर्नमेंट ने क्या करा, कैवलरी और जो पुलिस थी उन्हें बोल दिया कि अब लोगों पर नज़र रखो। अब ये कैवलरी क्या है, ये भी एक तरीके से आप फोर्स समझ सकते हो, जस्ट लाइक पुलिस होती है, ठीक है। इन लोगों को बोला गया कि भाई नज़र रखो तुम लोग, जो भी लोग हैं उन सब पर। ऑन 25th February द गवर्नमेंट सस्पेंडेड द डूमा एंड पॉलिटिशियंस स्पोक अगेंस्ट दिस मेजर। अब क्या हुआ कि 25th February को पहले तो फर्स्ट डूमा बनाया था उसको भी गवर्नमेंट ने डिसमिस कर दिया, सेकेंड वाले को भी कर दिया, अब गवर्नमेंट ने थर्ड वाला डूमा भी क्या कर दिया, सस्पेंड कर दिया। जितने भी पॉलिटिशियंस थे उन सब ने इस चीज़ के अगेंस्ट बोला कि भाई ये चीज़ तो बहुत गलत करी है गवर्नमेंट ने, क्यों ख़त्म कर दिया गवर्नमेंट में डूबा। ऑन 27th February द पुलिस हेडक्वार्टर्स वर रैनसैक्ड। अब जो पुलिस के जितने भी हेडक्वार्टर्स थे उन सबको रैनसैक कर दिया था लोगों ने। अब इस रैनसैक वर्ड का क्या मतलब होता है, रैनसैक्ड वर्ड का मतलब ये है कि उसको तबाह कर दिया था, डिस्ट्रॉय कर दिया था। अब बुलाया गया कैवलरी को। कैवलरी का मतलब क्या था, मैंने आपको बताया ना अभी कि इट इज़ जस्ट लाइक पुलिस, एक स्पेशल फोर्स, तो आर्मी का ये पार्ट हुआ करती थी, ये लोग हॉर्सेस के ऊपर चला करते थे, तो इन लोगों को बुलाया गया प्रोटेक्शन के लिए, किसकी, पुलिस की। अब यहाँ पर एक ऑफिसर था जिसको बैरिक्स के अंदर मार भी दिया गया था, बैरिक्स ऑफ अ रेजिमेंट, अदर रेजिमेंट्स म्यूटेंट। तो यहाँ पर क्या हुआ कि जो और रेजिमेंट्स थी अब वो थोड़ा शांत हो गई थी और वो गुस्से में भी आ गई थी। वोटिंग टू ज्वाइन द स्ट्राइकिंग वर्कर्स गैदर टू फॉर्म अ सोवियत और काउंसिल, दिस वॉज द पेट्रोग्रेड सोवियत। अब क्या हुआ कि जितने भी वर्कर्स थे इन सब ने मिलकर एक अपना ग्रुप बनाया, काउंसिल बनाई, काउंसिल ग्रुप बन गया था, तो इसको हमने क्या बोला, पेट्रोग्रेड सोवियत सिंपली। अ डेलीगेशन वेंट टू मीट द टीसार। अब ये जो टीसार बार बार हम लोग वर्ड सुन रहे हैं, देखो सिंपल भाषा में अगर मैं आपको बताऊँ तो ये रशिया के राजा को ही बोला है टीसार, सिंपल है। जैसे हमारे यहाँ पे राजा बोलते हैं, किंग बोलते हैं कई कई जगह, यहाँ पर टीसा। मिलिट्री कमांडर्स एडवाइज्ड हिम टू एब्डिकेट। एब्डिकेट का मतलब कि मिलिट्री कमांडर्स ने बोल दिया भाई अब तुम लोगों की बात मान लो, थोड़ा शांत हो जाओ। अब 22nd March को जो ये टीसार भाई साहब थे इन्होंने एबडक्ट कर दिया। एबडक्ट का मतलब यही होता है कि कोई भी राजा या रानी हो वो अपना पद छोड़ दे, बोल दे अब मैं राजा रानी नहीं हूँ। तो अब इन भाई साहब ने बोल दिया कि अब मैं राजा नहीं हूँ। सोवियत लीडर और जो डूमा के लीडर थे उन्होंने एक प्रोविजनल गवर्नमेंट बनाई, एक तरीके से टेम्प्रेरी गवर्नमेंट बनाई जिससे कि वो कंट्री को रन कर सकें। अब जैसे ही ये गवर्नमेंट बनी कुछ बहुत सारे चेंजेस अप्लाई हो गए तुरंत के तुरंत। सबसे पहले जो टीसार था, जो किंग था, उसने पहले क्या लगाई हुई थी, पब्लिक मीटिंग्स और एसोसिएशंस पे बैन, कि कोई ग्रुप नहीं बना सकता, कोई पब्लिक मीटिंग नहीं कर सकता। इस चीज़ पर इन्होंने तुरंत के तुरंत रिस्ट्रिक्शन को हटा दिया,
कि लोग अब आसानी से कहीं पे भी मीटिंग कर सकते हैं, एसोसिएशन बना सकते हैं। हर जगह सोवियत्स मतलब काउंसिल सेटअप होने लगी। इंडिविजुअल एरिया फैक्ट्री कमिटीज वर फॉर्म्ड विच बिगेन क्वेश्चनिंग द वे इंडस्ट्रियलिस्ट रैन देयर फैक्ट्रीज। अब जो इंडस्ट्रियलिस्ट थे यही कंपनियों के फैक्ट्रीज के ओनर, ये अपने हिसाब से कंपनियां और फैक्ट्रीज चलाते थे, लोगों से एक्स्ट्रा काम कराते थे, कम पैसे देते थे, तो इस सब चीज़ पे अब लोगों ने क्वेश्चन करना शुरू करा। सोल्जर्स कमिटीज़ वर फॉर्म्ड इन द आर्मी, तो जो सोल्जर्स थे इनकी कमिटीज़ बनने लगी, मतलब ग्रुप टाइप बनने लग गए सोल्जर्स के भी आर्मी के अंदर। द प्रोविजनल गवर्नमेंट सॉ इट्स पावर डिक्लाइनिंग एंड बोल्शेविक इन्फ्लुएंस ग्रो, तो जो बोल्शेविक इन्फ्लुएंस था वो बढ़ने लगा। अब ये बोल्शेविक इन्फ्लुएंस क्या था ये अभी हमें पता चलेगा। देयरफोर इट डिसाइडेड टू टेक स्टर्न मेजर्स अगेंस्ट द स्प्रेडिंग डिसकंटेंट। अब देखो क्या हुआ कि जो ये प्रोविजनल गवर्नमेंट थी, ये टेम्प्रेरी गवर्नमेंट थी, इसको ऐसा लगने लगा कि भाई हमारी पावर क्या हो रही है, डिक्लाइन मतलब कम हो रही है, और जो बोल्शेविक है इसका इन्फ्लुएंस बढ़ता जा रहा है लोगों पे। अभी बोल्शेविक क्या है अभी देखेंगे थोड़ी देर में। देयरफोर इट डिसाइडेड टू टेक स्टर्न मेजर्स, इस वजह से ये जो प्रोविजनल गवर्नमेंट थी इसने कुछ स्ट्रिक्ट मेजर्स लेने की कोशिश करी, कुछ स्ट्रिक्ट कानून रूल्स लेकर आने की कोशिश करी। किस चीज़ के लिए, जिससे कि ये जो बोल्शेविक का इन्फ्लुएंस है ये कम हो जाए, डिसकंटेंट हो जाए। इट रेजिस्टेड अटेम्प्ट्स बाय वर्कर टू रन फैक्ट्रीज एंड अरेस्टेड लीडर्स। अब यही गवर्नमेंट पहले जो था हमारा टीसार वो वाले काम करने लगी, इसने क्या करा जो वर्कर्स थे इनको अरेस्ट करने तक की नौबत पे आ गई है गवर्नमेंट, ठीक है। जो वर्कर्स फैक्ट्रीज चलाने की खुद से कोशिश कर रहे थे उनको अरेस्ट करने की नौबत पे ये गवर्नमेंट आ गई थी। लीडर्स को भी अरेस्ट करने लगी थी ये गवर्नमेंट। पीजेंट्स एंड द सोशलिस्ट रिवोल्यूशनरी लीडर्स प्रेस्ड फॉर अ रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ लैंड। अब क्या हुआ, जो पीजेंट्स थे और जो सोशलिस्ट रिवोल्यूशनरी थे, उन लोगों ने क्या करा, उन लोगों ने अब इस चीज़ का मुद्दा उठाया कि जो लैंड है इसका रीडिस्ट्रीब्यूशन हो। पहले क्या होता था, लैंड टर्न बाय टर्न सबको मिलता था, अब क्या बोल रहे हैं कि भाई कुछ प्रॉपरली रीडिस्ट्रीब्यूशन होना चाहिए इसका। लैंड कमिटीज़ वर फॉर्म, इसी चीज़ को सुन के लैंड कमिटीज़ फॉर्म हुई। पीजेंट्स सीज्ड लैंड बिटवीन जुलाई एंड सितंबर 1917। अब क्या हुआ, जितने भी पीजेंट्स थे उन्होंने लैंड को सीज कर दिया। सीज मतलब कि उसके ऊपर ना कोई जा सकता था ना कुछ कर सकता था, तो इस पूरे लैंड को सीज कर दिया था बिटवीन जुलाई एंड सितंबर 1917। द रिवोल्यूशन ऑफ अक्टूबर 1917। अब क्या क्या इवेंट्स हुए थे इस रिवोल्यूशन के अंदर, बहुत इंपॉर्टेंट है। ऑन 16 अक्टूबर 1917 लेनिन परसुएटेड द पेट्रोग्रेड सोवियत एंड बोल्शेविक पार्टी टू एग्री टू अ सोशलिस्ट सीजर ऑफ पावर। अब देखो यहाँ पर क्या हुआ कि 16 अक्टूबर को जो लेनिन था उसने परस्यूड करा किसको, जो पेट्रोग्रेड सोवियत थी उसको और बोल्शेविक पार्टी को। ये जो बोल्शेविक पार्टी थी इसका बड़ा नाम उठता जा रहा था, ये बोल्शेविक जो हम ऊपर देख रहे थे ना एक तरीके की पार्टी थी, तो इसका बहुत ज़्यादा नाम उठता जा रहा था। जैसे इंडिया में है ना बीजेपी, कांग्रेस, आम आदमी पार्टी, इस तरीके की ये पार्टी थी। तो यहाँ पर वो फोर्स कर रहा था इन्हें कि कैसे ना कैसे करके ये लोग क्या करें, एग्री कर ले टू अ सोशलिस्ट सीजर ऑफ अ पावर। अब इसका मतलब क्या है एक बार देख लेते हैं हम लोग। अरे सर, शायद आपसे पेपर चेकिंग करने में कुछ मिस्टेक हो गई है, आपने सब बच्चों को 20 मार्क्स दे दिए हैं, ऐसा कैसे हो सकता है, मैंने तो 12-12 घंटे पढ़ाई करी है सर। अरे मोटूलाल फिकर मत करो, अब से हमने क्लासरूम के अंदर सोशलिज्म को अप्लाई करा है, चाहे तुम कितनी भी मेहनत करो सबके मार्क्स इक्वल ही आएंगे। अरे मोटूलाल तुम तो फंस गए, मैंने तो कल पूरे दिन फ्री फायर खेला और इंस्टाग्राम चलाया और देखो फिर भी तुम्हारे जितने मेरे मार्क्स आए हैं, बड़ा फायदा हुआ है सोशलिज्म का। तो अब आप शायद सोशलिज्म वर्ड का मतलब समझ गए होगे। देखो सिंपल सी बात है, पूरी की पूरी चीजें गवर्नमेंट कंट्रोल करेगी, और लेनिन ने क्या करा, सीजर ऑफ पावर करा, सोशलिस्ट सीजर ऑफ पावर करा। मतलब सीजर ऑफ पावर का मतलब ये होता है कंट्रोल ले लिया, अचानक से दबाव में सबको लाकर कंट्रोल ले लिया और बोला कि हम लोग सोशलिस्ट तरीके से रन करेंगे अब पूरी कंट्री को। अ मिलिट्री रिवोल्यूशनरी कमेटी वॉज अपॉइंटेड बाय द सोवियत टू ऑर्गेनाइज सीजर। अब ये क्या हुआ, जो सीजर था, सीजर का मतलब यही था कि पूरी कंट्री के ऊपर जो ये लोग कंट्रोल लेने वाले थे, अब उसके लिए इन्हें मिलिट्री की कमेटी को अपॉइंट करना पड़ा, रेडी करना पड़ा। अपराइजिंग बिगेन ऑन 24 अक्टूबर। प्राइम मिनिस्टर क्रिनिस्की लेफ्ट द सिटी टू समन ट्रूप्स। प्रो गवर्नमेंट ट्रूप्स वर सेंट टू टेक ओवर टेलीफोन
एंड टेलीग्राफ ऑफिसेस एंड प्रोटेक्ट द विंटर प्लेसेस पैलेसेस। तो यहाँ पर क्या हुआ, जो प्रो गवर्नमेंट ट्रूप्स थे कुछ, उनको क्या करा गया, जो टेलीफोन्स थे और जो हमारे टेलीग्राफ ऑफिसेस थे वहाँ पर भेज दिया गया, और जो विंटर पैलेसेस थे उनको प्रोटेक्ट करने के लिए भेज दिया गया। इन रिस्पॉन्स मिलिट्री रिवोल्यूशनरी कमिटी ऑर्डर टू सीज गवर्नमेंट ऑफिसेस एंड अरेस्ट द मिनिस्टर्स। अब यहाँ पर क्या हुआ, देखो सिंपल सी बात है, लेनिन अचानक से कंट्रोल लेना चाह रहा था पूरी कंट्री के ऊपर, लेकिन जो तब के करंट प्राइम मिनिस्टर थे वो लोग इस चीज़ के अगेंस्ट थे। आखिर वो लोग क्यों प्राइम मिनिस्टर की अपनी पोस्ट खोना चाहेंगे, ये तो बात क्लियर है। तो उन्होंने क्या करा, उन्होंने देखा कि कौन कौन से ट्रूप्स उनकी साइड हैं, उन ट्रूप्स को बोला भाई तुम लोग टेलीफोन ऑफिसेज में जाओ, टेलीग्राफ ऑफिसेज में जाओ, जो विंटर पैलेस हैं उनको जाकर प्रोटेक्ट करो। लेकिन यहीं पर जो कुछ मिलिट्री ट्रूप्स किसके साथ थे, लेनिन के साथ थे, मतलब जो मिलिट्री रिवोल्यूशनरी थे वो जो लेनिन के साथ थे, उन लोगों ने गवर्नमेंट ऑफिसेस को, गवर्नमेंट ऑफिसेस को सीज करना शुरू कर दिया, और जो मिनिस्टर्स थे उनको भी अरेस्ट करना शुरू कर दिया, पकड़ना शुरू कर दिया। द ऑरा शिप शेल्ड द विंटर पैलेस। अब जो ये ऑरा शिप थी, इसने क्या करा, पूरा का पूरा जो विंटर पैलेस था उसे शेल कर दिया। यहाँ पर इस लाइन का मतलब क्या है, कुछ जो स्ट्रेटेजिक पॉइंट्स थे, जैसे कि वो वाले पॉइंट्स जहाँ से मान लो सामान आता था जाता था, उन सब जगहों को शिप्स ने टुक ओवर कर लिया, मतलब जो लेनिन की शिप्स थी उन्होंने उन जगहों को ब्लॉक कर दिया। रात तक, रात के समय तक पूरी की पूरी सिटी के ऊपर लेनिन की आर्मी ने कंट्रोल कर लिया था, और जो मिनिस्टर्स थे उन्होंने सरेंडर कर दिया, फाइनली उन्होंने गिव अप कर दिया। ऑल रशियन कांग्रेस ऑफ सोवियट्स इन पेट्रोग्रेड अप्रूव्ड द बोलिश्किव एक्शन। तो ये जो बोलिश्किव ने एक्शन लिया था, ये पूरा जो एक्टिविटी करी थी यहाँ पर कंट्रोल लेने के लिए सिटी के ऊपर, इसको अप्रूव कर दिया कि उन्होंने, कांग्रेस ऑफ सोवियट्स। बाय दिसंबर द बोलिश्किव कंट्रोल द मॉस्को पेट्रोग्रेड एरिया। तो जो बोलिश्किव थे वो लोग कौन सा एरिया कंट्रोल कर रहे थे, मॉस्को और पेट्रोग्रेड वाला एरिया। इफेक्ट, मोस्ट इंडस्ट्री एंड बैंक्स वर नेशनलाइज्ड इन नवंबर 1917। अब इसका मतलब क्या है, देखो ज़्यादातर जो भी इंडस्ट्रीज थी और जो बैंक थे उन सब के ऊपर अब गवर्नमेंट ने कंट्रोल ले लिया था। जैसा मैंने अभी आपको शुरू में बताया कि ये गवर्नमेंट किसकी बन रही थी, आप देखो ये गवर्नमेंट बन रही थी सोशलिस्ट, सोशलिस्ट गवर्नमेंट के अंदर हर चीज़ का कंट्रोल किसके पास होता है, गवर्नमेंट के पास ही होता है। तो यहाँ पर गवर्नमेंट के पास हर चीज़ का कंट्रोल आ गया था, उन्होंने इंडस्ट्रीज़ मतलब जो बड़ी बड़ी फैक्ट्रीज थी प्राइवेट उनके ऊपर भी अपना रूल कर लिया था, बैंक्स को भी अपने कंट्रोल में कर लिया था, ठीक है। द लैंड वॉज डिक्लेयर्ड सोशल प्रॉपर्टी एंड पीजेंट्स वर अलाउड टू सीज द लैंड ऑफ द नोबिलिटी। अब देखो यहाँ पर क्या हुआ, जो ज़मीन थी ना उसको डिक्लेयर कर दिया था गवर्नमेंट ने सोशल प्रॉपर्टी, मतलब ये जो लैंड है ये हर एक बंदे का है, हर एक व्यक्ति का है, जैसा मैंने आपको बताया। तो यहाँ पर गवर्नमेंट ने जितनी भी पब्लिक थी उसमें इक्वली डिस्ट्रीब्यूट कर दिया था पूरा का पूरा लैंड, और बोल दिया था कि जो भी नोबिलिटी हैं, मतलब जो भी पहले राजा महाराजा रहे हैं, जिनके पास खास लोग हैं, जिनके पास ये लैंड था, उनके भी लैंड के ऊपर अब आप कब्जा कर सकते हो। यूज़ ऑफ ओल्ड टाइटल वॉज बैंड, मतलब अब कोई अपने नाम के आगे जैसे टाइटल लगा लेते थे कि ड्यूक, डचेस, ये सब टाइटल नहीं लगा सकते थे। नई यूनिफॉर्म्स बनी थी आर्मी के लिए और ऑफिशियल्स के लिए। रशिया बिकेम अ वन पार्टी स्टेट, अब पूरी रशिया क्या बन गई थी, एक वन पार्टी स्टेट, मतलब एक ही पार्टी पूरे रशिया के ऊपर कंट्रोल करेगी। ट्रेड यूनियंस वर कैप्ट अंडर पार्टी कंट्रोल, जो भी ट्रेड यूनियंस थे उनको भी पार्टी कंट्रोल के अंडर रखा गया। अब शुरुआत होती है द सिविल वॉर, द सिविल वॉर व्हेन द पुलिश गिव्स ऑर्डर्ड लैंड रीडिस्ट्रीब्यूशन द रशियन आर्मी बिगिन टू ब्रेकअप। अब क्या हुआ, जो रशिया की आर्मी थी वो भी टूटने लगी। इसका मतलब क्या है, जब बोलिश्किव्स ने बोला कि लैंड को रीडिस्ट्रीब्यूट करा जाएगा, मान लो मेरी ज़मीन है, बोल दिया कि नहीं भाई ये ज़मीन तो अब गवर्नमेंट की है, और अब गवर्नमेंट की ज़मीन है मतलब इसके ऊपर अब पब्लिक का भी हक है, तो पब्लिक इस ज़मीन को यूज़ कर सकती है। तो अब यार मैंने तो वो ज़मीन बहुत मेहनत से बनाई थी ना, मुझे तो गुस्सा आएगी। ऐसे ही रशियन आर्मी के अंदर कुछ लोग थे, कुछ लोग थे जो गवर्नमेंट से भी एग्री कर रहे थे कि ठीक है भाई अब ये ज़मीन गवर्नमेंट की हो गई। तो रशियन आर्मी धीरे धीरे टूटने लगी। नॉन बोलिश्किव सोशलिस्ट लिबरल्स एंड सपोर्टर्स ऑफ ऑटोक्रेसी कंडेम्ड द बोलिश्किव अपराइजिंग। तो अब क्या हुआ, जो बोलिश्किव्स की अपराइजिंग थी, मतलब ये जो बोलिश्किव लोग उठते जा रहे थे, इस चीज़ को लेकर जो कुछ सोशलिस्ट लोग थे वो इसके अगेंस्ट थे, लिबरल्स भी अगेंस्ट थे,
और जो सपोर्टर थे ऑटोक्रेसी के वो भी कंडेम कर रहे थे ब्लुश्किव की अपराइजिंग को। ऑटोक्रेसी मतलब एक ही बंदा सारी चीज़ों को राज करे, एक ही राजा हो, सिंपल सी बात ही है। अब इस चीज़ में क्या हुआ, उनको सपोर्ट करा फ्रेंच ने, अमेरिकन ने, ब्रिटिश ने और जैपनीज ट्रूप्स ने। ऑल दिस फॉट अ वॉर विद द ब्लुश्किव्स, और इन लोगों ने ब्लुश्किव्स के साथ लड़ाई भी करी। मतलब किसका साथ दिया था, अमेरिकन, ब्रिटिश, जैपनीज और फ्रेंच लोगों ने, इन्होंने साथ दिया था नॉन ब्लुश्किव्स का, मतलब वो लोग जो ब्लुश्किव्स के अगेंस्ट थे। मेकिंग अ सोशलिस्ट सोसाइटी, अब क्या हुआ, अब सोशलिस्ट सोसाइटी को बनाने का प्रोसेस आया। द ब्लुश्किव्स कैप्ट इंडस्ट्रीज एंड बैंक नेशनलाइज्ड ड्यूरिंग द सिविल वॉर। सिविल वॉर के दौरान ब्लुश्किव्स ने जितनी भी इंडस्ट्रीज थी और बैंक्स थे इन्हें नेशनलाइज रखा, मतलब गवर्नमेंट का इनके ऊपर कंट्रोल है। इनडायरेक्टली अगर गवर्नमेंट का कंट्रोल है तो जितनी भी पब्लिक है वो इसकी इक्वल ओनर है किसी भी चीज़ की जो गवर्नमेंट के कंट्रोल में थी। रैपिड कंस्ट्रक्शन, बहुत जल्दी कंस्ट्रक्शन होने लगा, और इंडस्ट्रियलाइजेशन भी शुरू हो गया, मतलब कि बहुत जल्दी फैक्ट्रीज बनने लगी, कंस्ट्रक्शन होने लगा। एन एक्सटेंडेड स्कूलिंग सिस्टम डेवलप्ड, और एक एक्सटेंडेड स्कूलिंग सिस्टम भी डेवलप हुआ। स्टेलिन एंड कलेक्टिव फार्मिंग, स्टेलिन भी एक बहुत इंपॉर्टेंट करेक्टर है यहाँ पर, तो आपको याद रखना है, ही इज ऑल्सो इंपॉर्टेंट पर्सनैलिटी। स्टेलिन बिलीव्ड दैट रिच पीजेंट्स एंड ट्रेडर्स स्टॉक्ड सप्लाइज टू क्रिएट शॉर्टेज ऑफ ग्रेन्स। अब जो स्टेलिन था उनका मानना ये था कि भाई साहब ये जो रिच पीजेंट्स हैं और ट्रेडर्स हैं ये अभी भी बहुत शैतानी कर रहे हैं। ये लोग क्या कर रहे हैं, ये लोग जो भी खाने पीने का सामान है, ग्रेन्स है, इन सबको स्टॉक करके रख रहे हैं, मतलब इनको बाहर नहीं निकाल रहे। सिंपल सी बात है, देखो अगर ज़्यादा ग्रेन्स होंगे तो उनका प्राइस कम हो जाएगा, अगर कोई चीज़ कम क्वांटिटी में है तो वो महंगी बिकेगी, तो वो शॉर्टेज क्रिएट कर रहे थे। तो यहाँ पर सिंपली इसका मतलब ये है, हैंस कलेक्टिवाइजेशन वॉज द नीड ऑफ द आर। अब जो स्टेलिन था उनका मानना ये था कि क्या करा जाए, कलेक्टिवाइजेशन करा जाए। सिंपल इसका मतलब ये था कि सारे पीजेंट्स को, चाहे वो अमीर हो, चाहे वो थोड़े मिडल वाले पीजेंट्स हो, चाहे वो नीचे वाले पीजेंट्स हो, उन सबको फोर्स करा जाए कि एक साथ काम करो, और जो भी उनका सामान वगैरह था उसको भी चुरा लिया जाए, निकाल लिया जाए किसी ना किसी तरीके से, जिससे कि वो जो ये स्टॉक करके रखा था उन्होंने सामान को, वो चीज़ निकल जाए और सब लोगों में इक्वली डिस्ट्रीब्यूट हो जाए। दोज फार्मर्स हु रेजिस्टेड कलेक्टिवाइजेशन वर पनिश्ड, डिपोर्टेड और एग्जाइल्ड। अब यहाँ पर क्या हुआ, जो फार्मर्स थे कुछ लोग, उन्होंने बोला यार हम लोग तो एक दूसरे के साथ काम नहीं करना चाहते, मान लो कोई ज़्यादा काम करता है, कोई कम काम करता है, और हम लोग अपना सामान भी क्यों दे तुम्हें, हम तो स्टॉक करके रखेंगे अपना सामान, चीज़ों का दाम बढ़ने देंगे। तो यहाँ पर उन सब फार्मर्स के ऊपर एक्शन हुआ, उनको पनिशमेंट मिली, कुछ को तो डिपोर्ट भी कर दिया और कुछ को एग्जाइल भी कर दिया, तो ये बहुत बड़ी दिक्कत हो रही थी। ठीक है, ग्लोबल इन्फ्लुएंस इन मैनी कंट्रीज कम्युनिस्ट पार्टीज वर फॉर्म्ड। अब क्या हुआ, धीरे धीरे करके ग्लोबल इन्फ्लुएंस होने लगा, बहुत सारी कंट्रीज़ के अंदर कम्युनिस्ट पार्टीज फॉर्म होने लगी। अच्छा, एक कंट्री है जो इंडिया के साथ में ही है, ठीक है, और इन लोगों की वजह से कोविड वगैरह फैला था, इन लोगों के पास भी एक पार्टी है, कम्युनिस्ट पार्टी। आखिर उस कम्युनिस्ट पार्टी का नाम क्या है और इस कंट्री का नाम क्या है, बता दो फटाफट कमेंट सेक्शन के अंदर। बाय द टाइम ऑफ आउटब्रेक ऑफ द सेकेंड वर्ल्ड वॉर द USSR हैड गिवन सोशलिज्म अ ग्लोबल फेस एंड वर्ल्ड स्टैचर। अब क्या हुआ कि जब सेकेंड वर्ल्ड वॉर हुआ तब तक USSR, अब ये जो रशिया का पूरा ग्रुप था इसे ही हम लोग बोलते हैं USSR, इसने सोशलिज्म को एक तरीके से ग्लोबल फेस दे दिया था, और वर्ल्ड के अंदर एक सोशलिज्म का भी नाम आ गया था, सोशलिज्म के बारे में भी लोग जान गए थे, ग्लोबल स्टैचर बन गया था, ये वर्ल्ड स्टैचर बन गया था। बाय द एंड ऑफ द 20th सेंचुरी द इंटरनेशनल रेपुटेशन ऑफ द USSR एज अ सोशलिस्ट कंट्री हैड डिक्लाइंड। अब क्या हुआ, धीरे धीरे करके जो एज अ सोशलिस्ट कंट्री कंसिडर करा जा रहा था USSR को, उसको 20th सेंचुरी तक धीरे धीरे करके इंटरनेशनली इसकी रेपुटेशन कम होती गई, इसकी वैल्यू कम होने लग गई, इज्जत इसकी घटने लगी। आई होप अब ये चैप्टर आपको क्लियर होगा यहाँ तक। अब हम इस चैप्टर के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को देखने वाले हैं, तो शुरू करते हैं हमारे फर्स्ट क्वेश्चन से। तो फर्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन कम्युनिज्म एंड सोशलिज्म। तो ये कुछ कॉमन क्वेश्चंस है जिसमें बच्चे सबसे ज़्यादा कन्फ्यूज होते हैं। तो देखो, कम्युनिज्म और सोशलिज्म बहुत ज़्यादा मिलते जुलते हैं,
जो मेन डिफरेंस है कम्युनिज्म के अंदर वो ये है कि मोस्ट प्रॉपर्टी एंड इकोनॉमिक रिसोर्सेज आर ओन्ड एंड कंट्रोल बाय द स्टेट। स्टेट का मतलब ये है कि गवर्नमेंट कंट्रोल करती है ज़्यादातर चीज़ों को। अंडर सोशलिज्म भी ऐसा ही होता है लगभग, लेकिन ऑल सिटीजन शेयर इकोनॉमिक रिसोर्सेज इक्वली। जितने भी सिटीजन्स हैं वो इकोनॉमिक रिसोर्सेज को इक्वली शेयर करते हैं। सिंपल बात यह है कि जैसे कि गवर्नमेंट ने एक पीस ऑफ लैंड दिया, ज़मीन का एक टुकड़ा दिया, अब उस ज़मीन के टुकड़े को सब लोग थोड़ा थोड़ा शेयर करेंगे, विच इज़ एलोकेटेड। और उस ज़मीन के टुकड़े को कौन एलोकेट करेगा? डेमोक्रेटिकली इलेक्टेड गवर्नमेंट, मतलब वही गवर्नमेंट जिसको लोगों ने चूज़ करा है और उसने ही बताया कि भाई ये ज़मीन का टुकड़ा है सोशलिज़म के अंडर। तो सोशलिज़म के अंदर क्या होगा, वो जो ज़मीन का टुकड़ा गवर्नमेंट ने एलोकेट करा है उसको सब लोग यूज़ कर लेंगे इक्वली। फिर बात करते हैं कैपिटलिज्म की। देखो बहुत सिंपल है, आप लोग सोशलिज्म और कम्युनिज्म के अंदर कंफ्यूज हो सकते हो, ठीक है, और कोई दिक्कत भी नहीं अगर आप 9th क्लास में कंफ्यूज हो रहे हो तो, क्योंकि ये आगे के टॉपिक हैं, बट आपको क्लियर होनी चाहिए अगर एग्जाम में आए तो। लेकिन ये जो कैपिटलिज्म है ये आपको बिल्कुल क्लियर होना चाहिए। देखो कैपिटलिज्म के अंदर क्या होता है, एक ऐसा इकोनॉमिक सिस्टम होता है जहां पर प्राइवेट इंडिविजुअल या फिर बिजनेस ओन करते हैं ज़्यादातर चीज़ों को। जैसे देखो अभी ऊपर हमने देखा था क्या हो रहा था कि गवर्नमेंट के कंट्रोल में थी सारी चीज़ें, तो गवर्नमेंट क्या करती थी, जैसे चीज़ों का दाम है वो अचानक से ना बढ़े। लेकिन यहाँ पर कैपिटलिज्म में क्या हो जाता है कि चीज़ों का प्राइस बढ़ सकता है अकॉर्डिंग टू डिमांड एंड सप्लाई इन द जनरल मार्केट। इसको आसान भाषा में समझे तो मान लो मार्केट के अंदर हम लोग गए और सारे बच्चे चॉकलेट खा रहे हैं, सब बच्चों ने बोला हमें तो और चॉकलेट चाहिए चॉकलेट चाहिए। अब कंपनी के पास क्या होगा कि चॉकलेट की डिमांड ज़्यादा आने लग जाएगी, तो कंपनी सोचेगी जब चॉकलेट की इतनी डिमांड है तो हम चॉकलेट का प्राइस बढ़ा दें, तो वो प्राइस बढ़ा देंगे और पैसा ज़्यादा कमाएंगे। तो ये क्या हो गया, एक तरीके से कैपिटलिज्म हो गया, एक कैपिटलिज्म वाली सोच हो गई। लेकिन अगर हम लोग बात करें यहीं पर कम्युनिज्म और सोशलिज्म की, तो यहाँ पर चीज़ों का दाम इतना जल्दी नहीं बढ़ाया जाएगा, क्योंकि गवर्नमेंट सारी चीज़ों को कंट्रोल कर रही है, तो गवर्नमेंट बोलेगी अगर इसकी डिमांड ज़्यादा है तो एकदम से इसका इतना ज़्यादा प्राइस नहीं बढ़ाना चाहिए, लोगों का फ़ायदा नहीं उठाना चाहिए। यहाँ पर क्या है कि लोगों का फ़ायदा उठाया जाता है, लोगों को अगर कोई चीज़ डिमांड कर रहे हैं लोगों को चाहिए तो उसका दाम बढ़ा दिया जाता है। तो यहीं पर जो हमारे दो मेन क्वेश्चंस थे, बाकी के भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, लेकिन यही तीन ऐसे टर्म्स हैं जिसके अंदर बच्चे कंफ्यूज होते हैं, वो मैंने आपको क्लियर कर दिया। सो आई होप स्टूडेंट्स आपको ये चैप्टर अच्छे से क्लियर होगा। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। लेकिन उससे पहले फटाफट चैनल को सब्सक्राइब कर दो, वीडियो को लाइक कर दो, सब्सक्राइब के साथ में जो ज्वाइन बटन है ज्वाइन करके मेंबर बनो, और अपने दोस्तों के साथ इस वीडियो को शेयर ज़रूर करना। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। मनुष्य ज्ञान लेते रहो।